कोस्टल इंडिया है इंडिया के, वहाँ भी अभी कुछ दिन पहले मैं पढ़ा था तमिलनाडु में भी एक अटैक किया था उसने, आई थिंक एक वीक पहले, और दूसरे कंट्रीज में भी है, सब जगह है। बट आई से इवन गोवा में था मैं पहले, वहाँ भी थी प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ज़्यादा शायद कॉम्प्लिकेट इसलिए हो जाती है कि वहाँ तमिलनाडु में एक साइड में सी कोस्ट है वहीं प्रॉब्लम है, दूसरे जो एरिया केरला से लगे हुए हैं या कर्नाटका से लगे हुए हैं वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी सेम इज द केस ऑफ गोवा, जो महाराष्ट्र से लगे हैं या कर्नाटका से लगे हैं इनलैंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल कोस्टल एरिया है। हमारी एक यूनिक सिचुएशन यहाँ ऐसी है कि ऑलमोस्ट 1960 किलोमीटर से टाइम करेक्ट हमारी कोस्ट लाइन है, और ये कोस्ट लाइन आपके नॉलेज में होगा ऑलरेडी कि कंट्री की टोटल कोस्ट लाइन का 1/4 है, मतलब पूरे कंट्री की जो कोस्ट लाइन है उसका 1/4 अंडमान निकोबार में है, और 1/4 भी जस्टिफाइड इसलिए है कि देखिए बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड हैं, यदि हमारा एक आइलैंड सपोज 1 किलोमीटर रेडियस का है, हम जस्ट भी नहीं जानते, सिंपली आप यदि उसका रेडियस निकालें तो भाई यहाँ से 6 किलोमीटर रफली, मैं राउंड फिगर में बता रहा हूँ कि 1 किलोमीटर रेडियस का जो आइलैंड है उसकी 6 किलोमीटर